हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन क्लास 9 कंप्यूटर क्लास। आज हम लोग यूनिट 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसे कहते हैं? एप्लीकेशन आल्सो कॉल्ड द प्रोग्राम यूज्ड द प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म टास्क। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम यूज्ड द प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म टास्क। नेक्स्ट बीट। बीट के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, ऐसे छोटा कर लेते हैं। तो बीट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ए कंप्यूटर हैंडल। अ सिंगल बीट कैन होल्ड ओनली वन ऑफ टू वैल्यू। यानी बीट क्या करेगा? जीरो या वन को एक कंटेन करता है। नेक्स्ट है बाइट। बाइट इज अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बीट अरेंज इन अ सीक्वेंस। जब 8 बीट किसी भी सीक्वेंस में, जैसे कुछ ऐसा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 हो गया, तो बाइट क्या होता है? बाइट इज अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बीट अरेंज इन अ सीक्वेंस। जब सीक्वेंस में अरेंज हो जाता है उसे बाइट कहते हैं। नेक्स्ट कैमकॉर्डर। कैमकॉर्डर क्या है? और डिजिटल वीडियो कैमरा यूज टू रिकॉर्ड वीडियो। कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा इन अ डिजिटल फॉर्मेट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहते हैं? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्राइमरी हार्डवेयर डिवाइस दैट इंटरप्ट एंड रन द कमांड दैट यू गिव टू द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला है कमांड। कमांड किसे कहते हैं? ए कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन विच यू गिव टू अ कंप्यूटर दैट काजेज एन एक्शन टू बी कैरिड आउट। कमांड आर आइदर टाइप बाय यूजिंग कीबोर्ड और आर चूजन फ्रॉम अ मेनू। मेनू से भी चूज किया जा सकता है या कीबोर्ड से कमांड दिया जा सकता है। कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल इज अ पाथ और अ लिंक दैट कनेक्ट कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर एंड डिस्क ड्राइव टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या है? वो पाथ है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को एक दूसरे तक भेजते हैं, चाहे वो पेरिफेरल डिवाइस से भेजें या प्रिंटर से भेजें या हम डाटा ट्रांसफर करें इंटरनेट पे। सीपीयू स्पीड। द क्या है सीपीयू स्पीड? द सीपीयू स्पीड इज द रेट एट विच सीपीयू कैन परफॉर्म अ टास्क सच एज मूविंग डाटा टू एंड फ्रॉम रैम और परफॉर्मिंग अ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। सीपीयू स्पीड किसे कहते हैं? सीपीयू कितनी तेजी के साथ कोई डाटा ट्रांसफर कर रहा है उसको हम सीपीयू स्पीड कहते हैं। डाटा क्या है? डाटा इज अ प्लूरल फॉर द लैटिन वर्ड डाटम मीन्स एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का जो आइटम होता है जिससे इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है उसे हम डाटा कहते हैं। यह लैटिन के डैटम वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का एक आइटम। नेक्स्ट है डाटाबेस प्रोग्राम। तो डाटाबेस प्रोग्राम आर यूज टू स्टोर एंड मैनेज डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। यू कैन आल्सो यूज दिस प्रोग्राम टू सॉर्ट और सर्च फॉर इंफॉर्मेशन स्टोर इन डाटाबेस। तो डाटाबेस क्या है? एक तरह का प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल हम लोग डाटाबेस क्रिएट करने के लिए करते हैं, साथ ही साथ से सर्च करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप इज एन ऑन स्क्रीन वर्क। डेस्कटॉप इज एन ऑन स्क्रीन वर्क एरिया दैट यूजर यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनू एंड आइकॉन। तो डेस्कटॉप क्या होता है? एक तरह का ये आइकॉन होता है, आपको पहले दिखाया हुआ था। इसमें आइकॉन्स बहुत सारे बने होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं हम प्रोग्राम को चलाने के लिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर आर मेड ऑफ इंडिविजुअल
कंपोनेंट्स सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट एंड प्रिंटर। सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर वह है जिसका में मॉनिटर अलग होता है, सीपीयू एक अलग होता है, कीबोर्ड होता है, साथ में माउस लगे होते हैं, प्रिंटर लगा होता है, जैसे आप लैब में देखते हैं वह डेस्कटॉप कंप्यूटर है का एक उदाहरण है। नेक्स्ट डिजिटल कैमरा, अ कैमरा दैट स्टोर इमेज डिजिटली ऑन अ मेमोरी डिवाइस सच एज फ्लैश मेमोरी कार्ड और मिनी हार्ड डिस्क में, उसे बोलते हैं डिजिटल कैमरा। डीवीडी किसे बोलते हैं, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, अ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डाटा इन डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करता है, जिसकी 4.5 GB नेट GB स्टोरेज क्षमता होती है। नेक्स्ट है फोल्डर। फोल्डर क्या है, फोल्डर इज अ कंटेनर अ प्रोग्राम एंड फाइल इन अ GUI इंटरफेस। एक फोल्डर क्या होता है, लाइक अ बैग, आपके बैग की तरह होता है जिसमें बहुत सारे कॉपी बुक्स रखते हैं, तो कॉपी बुक्स फाइल हो गई और बैग आपका फोल्डर। GB अब जान लेते हैं, तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 billion bytes, जो लगभग 1 billion byte के बराबर होती है। GUI इंटरफेस के बारे में जानते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिस्प्ले इमेज एंड पिक्चर दैट अलाउ कंप्यूटर यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इजली। तो GUI बेस क्या है, जिसमें आइकॉन्स होते हैं, कमांड देने के लिए कर्सर होता है, सारी चीज़ें मौजूद होते हैं जिससे सीधे सीधे कोई यूजर इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, उसे बोलते हैं GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है ग्राफिकल प्रोग्राम, तो ग्राफिक्स प्रोग्राम आर यूज टू क्रिएट एंड एडिट ड्राइंग, यू कैन यूज दिस प्रोग्राम टू इनहेंस फोटोग्राफ। तो ग्राफिकल प्रोग्राम जैसे फोटोशॉप हो गया एसेक्ट्रा, इसका इस्तेमाल करके हम अपने पिक्चर को या किसी ग्राफिक को बेहतर ढंग से हम क्रिएट कर सकते हैं। हार्डवेयर, तो हार्डवेयर रिफर टू द ऑल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसको भी हम छू सकते हैं और देख सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर का। होम ऑफिस एंड अरेंजमेंट दैट अलाउ पीपल टू वर्क फ्रॉम होम। होम ऑफिस क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका इस्तेमाल करके हम घर से काम करते हैं, उसे होम ऑफिस कहते हैं। आइकॉन, आइकॉन क्या है, आइकॉन इज ए स्मॉल इमेज डिस्प्ले ऑन ए स्क्रीन टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट, छोटा सा होता है, मैंने बताया था ये दो तरह के होते हैं, सिस्टम आइकॉन, एक होता है शॉर्टकट आइकॉन। दो तरह के आइकॉन होते हैं, सिस्टम और शॉर्टकट। जो सिस्टम डायरेक्ट जनरेट करता है उसे सिस्टम आइकॉन बोलते हैं, और शॉर्टकट जो हम अपने काम को आसान बनाने के लिए जनरेट करते हैं। एक याद रखिएगा, सिस्टम आइकॉन को कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता, इसे डेस्कटॉप से अपीयर या डिस अपीयर कर सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते, और शॉर्टकट आइकॉन को डिलीट कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस, एन इनपुट डिवाइस यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर, कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, मैंने इससे पहले बताया था इनपुट डिवाइस होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं। इंटरनेट, अ स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क यूज टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल है, जिसका इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं, दूसरे तक भेजते हैं। आ जाते हैं किलोबाइट, तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 bytes के बराबर होता है। नेक्स्ट बात है लैपटॉप कंप्यूटर, तो लैपटॉप कंप्यूटर आर लाइट वेटेड एंड पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर भी कहलाता है, जो छोटा सा होता है जिसको आप लैप यानी गोद में लेकर बैठ सकते हैं उसे लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। उसमें सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें उसमें ही CPU इनबिल्ट होती हैं, यानी एक ही में लगा होता है, कुछ वह ऐसा दिखता है, ये हो गया उसका मॉनिटर और कुछ ऐसा होता है उसका कीबोर्ड, यहाँ पे ये सारे कीबोर्ड्स होते हैं, छोटा सा यहाँ पे माउस का पैनल होता है और ये होता है मॉनिटर, ये होता है लैपटॉप। अब आ जाते हैं लैन पे, तो लैन क्या है, लैन इज अ कनेक्टेड
डिवाइस विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज होम और स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑफिस। तो छोटे एरिया में हम नेटवर्क चैनल बैठाते हैं, उसे बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB, किलोबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है मीनू। तो मीनू इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विच ए यूजर कैन सेलेक्टेड एंड ऑप्शन टू परफॉर्म डिजायर्ड एक्शन सच एज चूजिंग द कमांड और अप्लाइंग पर्टिकुलर फॉर्मेट टू अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। मेनी प्रोग्राम स्पेशली दोज ऑफर अ ग्राफिक इंटरफेस यूज मीनू एज मीन्स टू प्रोवाइड द यूजर विथ एन ईजी टू यूज अल्टरनेटिव टू मेमोराइज द प्रोग्राम कमांड एंड देयर अप्रोप्रिएट यूजेज। जैसे आप फाइल ओपन करते हैं तो फाइल के साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं। फाइल के साथ न्यू, ओपन, क्लोज, एग्जिट एक्सेट्रा आती है। तो ये सारे मीनू हैं। मोबाइल फ़ोन क्या है अब ये जान लीजिए। वायरलेस डिवाइस दैट कैपेबिलिटी टू ट्रांजिशनल वायर्ड फोन एंड अलाउ यू टू मेक कॉल फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी लोकेशन। तो मोबाइल वो है जो कि वायरलेस एक टेलीफोन है जिसका इस्तेमाल करके हम कहीं से भी एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, MPEG ऑडियो लेयर 3, ए फॉर्मेट डेवलप बाई मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप टू अलाउ कंप्रेस ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फ्रॉम डिजिटल डिस्टर्बेंस। MP3 एक तरह का फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल करके हम वीडियो को कंप्रेस करते हैं, ऑडियो बना लेते हैं। नेटवर्क, नेक्स्ट नेटवर्क। नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टू शेयर रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। नेटवर्क क्या है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का एक ग्रुप होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए करते हैं। नेटवर्क 3 टाइप के होते हैं, लैन, मैन एंड लैन मैन एंड वैन। वैसे बहुत तरह के होते हैं, सामान्य तौर से हम 3 हिस्सों में से बांटते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क ड्राइव। अब नेटवर्क ड्राइव क्या है? तो नेटवर्क ड्राइव इज अ ड्राइव दैट शेयर विथ अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। जैसे आप सर्वर है, इसके अंदर ड्राइव जो है यह नेटवर्क ड्राइव होगा जो दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ऑनलाइन किसे कहते हैं? देखिए, व्हेन कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट इट इज सेड टू बी ऑनलाइन। जब कंप्यूटर को हम इंटरनेट से जोड़ देते हैं तो ऑनलाइन कहलाता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज एंड एक्सेस टू द हार्डवेयर टू प्रोग्राम। इट आल्सो मैनेज कंप्यूटर्स ऑपरेशन एंड टास्क सच एज लॉगिंग, लॉग ऑफ, शटडाउन एक्सेट्रा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को रन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म। द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टुगेदर आर रिफर टू अ प्लेटफॉर्म। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम मिलकर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं दूसरे एप्लीकेशन के लिए जिससे कि वह रन कर सके। फिर नेक्स्ट है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो हैंडल कंप्यूटर डैट यूजेज अ पर्सनल ऑर्गेनाइजर। अ ट्रेडिशनल पैड इंक्लूड फीचर सच एज एड्रेस बुक, टास्क लिस्ट एंड कैलकुलेटर। जो पहले आते थे पैड, उसमें सिर्फ सामान्य तौर से एड्रेस बुक होता था, टास्क यानी जो हम काम करेंगे उसके लिस्ट होती है, कैलकुलेटर होता था। बट नाउ डे आपका मोबाइल फ़ोन भी एक पैड की तरह ही वर्क करता है। पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? तो पिक्सल रिफर टू स्मॉल यूनिट ऑफ मेकअप पिक्चर। द हाइयर द नंबर ऑफ पिक्सल द बेटर द क्वालिटी ऑफ पिक्चर। जैसे एक फ़ोटो आप जब बनता है तो फोटो बहुत सारे डॉटेड से बनता है, जो ये डॉट होते हैं इसे पिक्सल कहते हैं। तो जितना यदि अधिक डॉट होगा उतना ही आपका पिक्चर क्लियर होगा। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम आर यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो कि इंफॉर्मेशन को स्लाइड के फॉर्म में शो करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस।
प्रोसेसिंग डिवाइस आर यूज बाई कंप्यूटर यूजर टू प्रोसेस द इनपुट डाटा एंड जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट। यह क्या करता है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम प्रोसेस करने के लिए और हमें इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं।